दोस्तों क्या आपके भी व्हाट्सएप में कोई भी आपको मैसेज मिला हुआ है और वो आपका मैसेज डिलीट हो गया है तो उसे आप कैसे रेट करेंगे ऐसे वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि अगर कार व्हाट्सएप के अंदर भेजा गया मैसेज अगर कोई डिलीट कर देता है तो उसे आप कैसे रेट करेंगे जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दो फोन हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा जैसे मान लीजिए ये आपके फ्रेंड का फ़ोन है और ये आपका फ़ोन है और आपका फ्रेंड यहाँ पर कोई भी मैसेज ऐसे तरीके से भेजता है इस तरीके से आपके पास यहाँ पर मैसेज आ जाता है जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर मैसेज आ जा रहा है और अगर आपका सामने वाला फ्रेंड कोच इस पर क्लिक करके इस तरीके से इन मैसेज को वह डिलीट कर देता है तो आपके यहां पर भी यह मैसेज डिलीट हो जाते हैं और आप बाय चांस इन मैसेज को नहीं देख पाए हैं। जैसे हम यहां पर भेजेंगे ही और उसके बाद शिवम तो मैंने यहाँ पर ही और शिवम भेज दिया है तो हमारे इस व्हाट्सअप में तो आ गए हैं और इन्हें हम अभी नहीं देख पाए हैं तो आपको इस पर क्लिक यानी कि आपका फ्रेंड क्या करता है कि इस पर क्लिक करता है इस तरीके से और इन्हें वह एवरी डिलीट कर देता है तो आप दोस्तों क्या होगा कि अगर आपका फ्रेंड इन मैसेज को डिलीट कर दिया है अगर अब आप अपने व्हाट्सअप में जाएंगे तो जाने के बाद वो सारे के सारे मैसेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि वो डिलीट हो चुके हैं तो आज ऐसे वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि आखिरकार व्हाट्सएप के डिलीट मैसेज को कैसे आप रिकवर करेंगे या कैसे आप उन्हें देखेंगे इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन के ब्राउजर में ब्राउजर में जाने के बाद यहां पर आपको क्या करना है कि सर्च बार पर क्लिक करना होगा सर्च बार पर क्लिक करके आपको सर्च करना होगा बढ़िया टेक यहां पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा तो यहां पर आप पर सर्च करेंगे बढ़िया टेक जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने फर्स्ट पर ये दोस्तों आपको सेकेंड पर मिल जाएगा ये वेबसाइट बढ़िया टेक आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा यहां पर आपको करना क्या होगा यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा सर्च बार पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सएप डिलेट मैसेज रिकवरी जैसे आप सर्च करेंगे व्हाट्सएप डिलीट मैसेज रिकवरी आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यही पोस्ट आपके सामने आ जाएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है यहीं पर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा डाउनलोड करने का तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और देखना है कि आपको यहाँ पर मिले गया डाउनलोड ऐप आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है एक्सेप्ट करने के बाद इनेबल पे क्लिक करना है यहां पर आपको उसे ओके करना है और इनेबल करना है और इस पर आपको क्लिक करना दे है।, है यहां पर आपको इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है बैक आ जाना है यहां पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना है और इसे आपको परमिशन देना है और यहां से आपको इसे ओके करना होगा तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहां पर हमारे सामने ओके करने का ऑप्शन आ जा रहा है तो हम यहां पर इसे ओके करेंगे और बैक आ जाएंगे बैक आने के बाद इसे एरो पर क्लिक करना है उसके बाद इस एरो पर क्लिक करना है एरो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको इस एरो पर क्लिक करना है जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा मीडिया कंटेंट आपको इसे इनेबल करना है अलाउ कर देना है उसके बाद मिलेगा अलाउ आपको इस पर क्लिक करना है और इसे भी आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको राइट का ऑप्शन मिलेगा आपको राइट कर देना है अब आपका यह एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा अब आपका इस एप्लीकेशन का काम हो गया यह एप्लीकेशन आपका ऑटोमेटिक काम करेगा जैसे आपको फिर से दिखाते हैं अपने WhatsApp के अंदर हम फिर से एक मैसेज को सेंड करेंगे यहां पर अपने सेकेंड फोन से एक मैसेज यहां पर सेंड करेंगे ही और उसके बाद यहां पर लिखते हैं अपना ही नेम फिर से लिख देते हैं शिवम उसके बाद एक कुमार यह हम यहां पर लिख देते हैं कल कैसे हो कल कैसे हो या कल कैसे करेंगे कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं हमारे व्हाट्सएप में ये मैसेज आ चुके हैं अगर सामने वाला बंदा इन मैसेज को सेलेक्ट करके और इन्हें डिलीट कर देता है इस तरीके से तो ये मैसेज डिलीट हो चुके हैं बट आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि ये आपको मैसेज व्हाट्सएप के भी अंदर देखने को नहीं मिलेंगे जैसे व्हाट्सएप में जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दिस मैसेज वाज डिलीटेड और यहाँ पर शो नहीं होंगे अब आपका यहाँ पर यह एप्लीकेशन काम करेगा आपको जाना होगा अपने इस एप्लीकेशन में यहां पर आपको

बहुत बहुत धन्यवाद